ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। खबरों के सिलसिले में अगे तोड़ते हैं। श्रोमणी अकाली दल के वलों कोटकपुरा गोलीकांड मामले च पेश चलान से गंभीर सवाल चुके गए हैं। चलान पेश करन दे विच हाई कोर्ट के हुक्मों की उलंघना के इल्जाम लगाए गए हैं। चलान पेश करन तो पहला सिलेक्टेड लीक करके सियासी लाहा लैण की कोशिश हुई है। श्रोमणी अकाली दल का यह कहना, धालीवाल ते स्पीकर संधवा नूं बादल परिवार के नाम शामिल होने की जानकारी पहला ही किसने दी? यह सवाल भी काफ़ी अहम से जो पूछा गया। पहला मुलजम नामजद किए गए तो फिर उन्होंने फिक्स किया गया। सुखबीर सिंह बादल ते प्रकाश सिंह बादल नूं मुख साजिशकर्ता दसना हासोहीण है। हाई कोर्ट ने पहला ही डीजीपी ते साबका सीएम दी गलबात नूं आधार बनाउण ते सवाल चुके। जो इसे केस नूं आधार बनाया जाए तो मूसेवाला केस च सीएम मुलजम ते सीएम दे वल्लों कटाई सुरक्षा की वजह नाल होया मूसेवाला का कतल सीधा सीधा यह भी सवाल चुके गए हैं श्रोमणी अकाली दल के वलों। इस हिसाब के नाल पटियाला काली माता मंदिर के बाहर हुई फायरिंग के लिए भी मुख्यमंत्री मान ही जिम्मेवार सन। मानयोग हाई कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट किया कि जिहड़ी सिट है यह सिट अपने चलान कोर्ट विच मैजिस्ट्रेट दे पेश करन तक कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं लीक करूगा। हुण तीन गल्लां आ गईयां बड़ियां स्पष्ट कि हाई कोर्ट दे अदालत दी उलंघना कीती कि उदों पहलां गल्लां लीक कीतियां कि नहीं कीतियां ते की गल्लां होईयां ओह हाई कोर्ट दे ऑर्डर दे अनुकूल ने कि उहदी वायलेशन है। पहली मानयोग स्पीकर साहब जांदे आ कहिंदे 28 तरीक तो पहलां चलान पेश हो जाऊ। मैनूं दसण स्पीकर साहब पंजाब दे लोकां नूं कि उहनां नूं 28 तरीक किहने दित्ती तो उन्होंने 28 तरीक पब्लिकली अनाउंस किवें कीती। उन्होंने सिट नूं हदायत कीती कि सिट ने उन्होंने इतलाह दित्ती तो उन्हां कोल इह अथॉरिटी किहने सी कि स्पीकर विधानसभा का जाके उत्थे जाके मौके पर अनाउंस करे कि 28 तरीक तो पहला हो। दूसरा इंस्टांस आ कुलदीप सिंह मिनिस्टर पंजाब दे, वह कहिंदे असीं गरंटी करदे आ कि बादल इहदे च मुलजम होणगे। ये दसिया जाए कि यह उन्होंने अथॉरिटी कुलदीप सिंह उन्होंने ज इनफॉर्मेशन किने दिती, सिट ने दिती कि चीफ मिनिस्टर ने हदायत दिती। हाई कोर्ट का फैसला अज स्टैंड करता है। हाई कोर्ट के फैसले ने बड़ी क्लीयर गल कहती कि टैलीफोन ते चीफ मिनिस्टर ते डीजीपी की गल नूं होना एक कॉन्सपरेसी बनाउणा इस सुपने विच भी नहीं एक्सैप्ट किया जा सकता। जे असीं इहनूं एक्सैप्ट करांगे ता हर सूबे का मुख्यमंत्री किसी ना किस केस विच मुलजम होगा। सिद्धू मूसेवाले FIR असी तो नहीं फाइल किया, पंजाब की पुलिस ने किया ना। उस FIR विच पंजाब की सरकार मुलजम बनती है जे इस केस की एनोलॉजी ली जाए, क्योंकि FIR की वर्डिंग है कि कोल्डी बराड़ ने कहा कि उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, पता नहीं दोबारा ना हो जाए, अज ही यह कार्रवाई की जाए। वह सिक्योरिटी विड्रॉ करके किने ट्वीट पर पाई, फिर वो इस एनोलॉजी के मुताबिक ये केस नहीं बनता, ये बंदा मुलजम नहीं बनता जिन्हें पाई। ये गल्लां नाल राजनीति खेडण लई जिवें प्रेस साहब ने कहा है कि अपनियां कमजोरियां ढकण लई दूसरे नूं किसे नूं माड़ा गल कहण दा जिहड़ा हैगा कोई चक्कर नहीं। पहला केस होना मेरा ख्याल मेरे इन्ने लौंग कैरियर च एडवोकेसी दे च कि जिहदी केस की स्टार्ट यह हुई कि मुलजम नहीं लभणे, मुलजम नामजद करके देते सरकार ने कि इन्हां नूं बणाउणा, इन्हां लई कुछ लभो। 2015 के केस लैके 2023 तक लग गए 7 साल च बादल साहब उन्होंने ये फिक्स कर ले। मैं एको गल पुछदा कि आ जिहड़े 7 मुलजम तुसी नामजद किए हैं ये एक अजीत सिंह दे पट्ट च गोली लगी है, ये पिस्तौल बाल साहब के हाथ च फड़ाया कि सुखबीर सिंह बादल के हाथ च फड़ाया कि समेत सैनी के हाथ च फड़ाया कि परवराज के हाथ च फड़ाया कि SS मान के हाथ च फड़ाया कि गुरदीप सिंह के हाथ च फड़ाया, दसो तो सही। तो बादल साहब ने ललकारा मारिया कि भाई मारे दे गोली, सुखबीर सिंह ने कहा बाल साहब ये गोली मरवाओ। मैं पहली बार लीगल टर्मिनोलॉजी आह गल सुनी है जो इन्होंने प्रेस नोट में लीक की है कि मेन कॉन्सपिरेटर ने सुखबीर सिंह बादल ते समेत सैनी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उमरान अंगल फैसिलिटेटर ने। कोई भी लीगल डिक्शनरी देख लो, IPC देख लो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देख लो, एविडेंस एक्ट देख लो, फैसिलिटेटर का क्यों है, अरे क्लीयर कितने लफ्ज कितने कोई वर्ड नहीं है, पता नहीं कितों लिया। यादव साहब ने वो दसणगे जां उन्हां दे साथी दसणगे। हुण गल आ गई 12 तो लै
12-13 14 की रात तो लेके 15 तक इंसीडेंट होंगे। उस समय सरदार सुखबीर सिंह बादल पंजाब तो बाहर से, रणजीत सिंह कमीशन बैठा है, उन्होंने बादल साहब का 2 बजे रात को टैलीफोन होना का रिपोर्ट किया। आदमी झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकते हैं, पर सरकमस्टांसिस नूं बलाई नहीं किया जा सकता। जिहड़ी कोटकपूरा की वीडियो रिकॉर्डिंग है वह दस दूगी कि 2 बजे तो लैके 6:30 तक जब SDM के ऑर्डर ना गोली चली है वो विचकार की होया। जे चीफ मिनिस्टर ने 2 बजे DGP ऑर्डर करते कि गोली चला दो, किहड़े दी जरूरत है कि 6:30 तक वह सवेरे गोली ना चला। 2 बजे तो लैके 6 बजे तक हाथ जोड़ जोड़ के बसा च बिठा के उत्थों लिया जा रहा है। ये रणजीत सिंह कमीशन ने मनिया कि ये एविडेंस है कि बादल साहब ने कहा कि दे आर टू बी ट्रीटेड लिबरली, तो ये कहिंदे आ गया कि कॉन्सपरेसी है, तो कॉन्सपरेसी नूं फैसिलिटेटर ने। फिर मैं पहला केस सुनिया कि बंदा बाहर बैठा है, एक चंडीगढ़ बैठा है, कट हुंदा ते उहनां दी कॉन्सपरेसी कदों होई? उन्होंने कॉन्सपरेटर्स ने अगे एक्सीक्यूटर्स नूं कदों कन्वे किया कि आ साडी कॉन्सपरेसी होगी, तो इस कॉन्सपरेसी चो अचीव की करना? एक आराम नाल चल रही प्रोग्रेसिव सरकार एक बंदे नूं जख्मी करा के की अचीव करूगी? देखो एक गल बड़ी क्लीयर होनी चाहिए है, मैं इनू हले भी कई दफ़ा हैरानी होंदी है कि कई बड़े सियाने सुलझे आदमी भी, तो कई दफ़ा इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया भी बेदबी दे केस कर दिंदा। बेदबी दे 3 केस ने जिन्हां 3 विच चलान पेश हो चुका है, तो वह सिट सी मिस्टर परमार आई जी की, उन्हां विच किसी भी अकाली दल दे लीडर दा या अकाली दल दा दूडों भी वास्ता नहीं, उहदे च राम रहीम ते उहदे बंदे ने। यह कोटकपूरा कांड है जिहदे च 307 दा परचा है। जो मेरे कोल इतला है वह एक गोली पट वजी है सरदार रजीत सिंह बरनाले दे। हुण मैं पुछदा कि सरदार सुखबीर सिंह बादल ते सुमेर सिंह सैनी ने सलाह करके कल्ले अजीत सिंह दे पट च गोली मरवाउणी सी, क्या हासोहीणी गल है? जिवें प्रेस साहब ने कहा, गल तो यह है कि उन्होंने बल्दी अपने आले दुआले की रुख बदलने की कोशिश की है। ये रुख भी नहीं बदलिया जाना, क्योंकि मैं जिवें आप जी ने दसिया है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं। कंवर विजय प्रताप रूलिंग पार्टी का MLA है ना, उत्थे बरगाड़ी गया ना, उन्हें की कहा कि मैं मोर्चा उन्नी देर जारी रखूँ जिन्ना चिर ये सुखबीर सिंह बादल ते साहब प्रकाश सिंह बादल का नाँ नहीं आता। कि यह हाईकोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं कि रूलिंग पार्टी का MLA कह रहा मैनू असैंबली बोलन नहीं दे रही सरकार, मेरी चिट्ठी लिख रहा CM नू कि इन्हों इनवॉल्व करो, कि यह वायलेशन नहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर की? कि यह प्रैशराइजिंग नहीं गौरमेंट नू कि जिन्ना चिर तुसीं इन्हां नू नहीं करदे उन्ना चिर केस दा कुछ करो?